Hello everyone, my name is Mudit Gupta. This is the next video in our MM20 series, which we will talk about current affairs ki that are important from this year's prelims point of view. I hope you are enjoying the series. If you plan to subscribe to Unacademy Plus, you can use my referral code Mudit Gupta for 10% discount on Unacademy Plus. Agar aap referral code use kare, you'll get a 10% discount and access to all the live classes on Unacademy Plus, including economy. Mera economy ka course aa raha hai, full-fledged Bear Act analysis of Indian Constitution, CSAT, aur kafi sare courses exclusively prelims 2020 ke liye. This is going to be the most important lecture puri series ka, fruit bat, Nipah virus se related hai. Bahut important hai isme, jo hamara science and tech aur environment related portion hai, usko thoda merge karke yahan pe kafi detail mein padhne wale hain. Nipah virus kya hai exactly, that I'll deal with in detail later on, jab main diseases pe aunga. Diseases ke video sare ek saath banaunga, jitne bhi hain, corona virus, Nipah aur Ebola wagera, in sab ke jo videos banenge wo ek saath banaunga. Abhi mera focus hai environment science tech pe. यहां पे फ्रूट बैट बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो निकल के आया 2019 में. समझिए ध्यान से. सबसे पहले इसे कहा जाता है फ्लाइंग फॉक्स. फ्रूट बैट को फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है. अगर मैं बात करूं बैट्स की, चमगादड़ों की, दो तरीके की चमगादड़ होती हैं. एक होती है फ्रूट बैट और एक होती है नॉर्मल बैट. ऐसे समझो इसे. जो नॉर्मल बैट होती है दैट इज इंसेक्टिवोरस इन नेचर. That is insectivorous in nature. मतलब कि कीड़े मकोड़े खाती है वो. जो fruit bat होती है, जैसा कि name suggest कर रहा है, it feeds upon fruits. जो ये normal bat होती है, normal bat, it uses echolocation. Echolocation. See, over here, यहाँ पे लिखा हुआ है echolocation. Echolocation का मतलब होता है साउंड वेव्स यूज करके दे ट्रैवल. जो नॉर्मल चमगादड़ होती है आपको पता होगा कि वो प्रिंसिपल यूज करती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स का, कि उन्होंने साउंड वेव्स जनरेट करी. जो साउंड वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होके आएंगी और नॉर्मल जो बैट है उसको समझ आएगा कि कौन सा टारगेट कितनी दूर है, कौन सा ऑब्स्ट्रक्शन कितनी दूर है. इस प्रोसेस को कहा जाता है एकोलोकेशन. डॉल्फिन्स और नॉर्मल बैट्स दोनों ही सेम प्रिंसिपल यूज करते हैं रिलेटेड टू एकोलोकेशन, कि जो साउंड वेव्स हैं वो जनरेट करी, रिफ्लेक्ट होके आएंगी एंड इनके सेंसर्स एक्टिवेट होंगे कि कितनी दूरी से आ रही हैं. साथ के साथ जो फ्रूट बैट होती है दे यूज स्मेल एंड आईज टू लोकेट देयर फूड एंड जो इनका रास्ता होता है चलने का. तो फ्रूट बैट और नॉर्मल बैट में दो फर्क है. फ्रूट बैट फ्रूट खाती है और फ्रूट बैट स्मेल और आईज, अपनी नोज और आंखें ये यूज करके आगे बढ़ती है. लेकिन जो नॉर्मल बैट होती है वो कीड़े मकोड़े खाती है, इंसेक्ट्स, और एकोलोकेशन के प्रिंसिपल पे काम करती है. दैट इज साउंड वेव जनरेट करती है और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है. साथ के साथ जो फ्रूट बैट होती है ऐसा माना जाता है कि उनकी आंखें काफी बड़ी होती हैं और उनकी जो आईसाइट होती है वो बेस्ट होती है सारी की सारी चमगादड़ों में. अमंगस्ट ऑल द बैट्स जो फ्रूट बैट होती है इनकी विजन जो होती है वो बेस्ट होती है. साथ के साथ लॉजिकल सी बात बताता हूं एक बड़ी. नॉर्मल बैट की बात करें, इन्होंने कीड़े मकोड़े ही खाने हैं, इंसेक्ट वगैरह, इनको शार्प टीथ की जरूरत ही नहीं है. लेकिन अगर फ्रूट बैट है, ये गुआवा खा रही है, ये पॉमीग्रेनेट खा रही है, ये एप्पल खा रही है, मैंगो खा रही है, इसको चाहिए होंगे शार्प टीथ. तो अच्छी आंखें, शार्प विजन, बड़ी आंखें, इसके साथ साथ फ्रूट बैट के पास होते हैं शार्प टीथ, तभी तो फ्रूट खा पाएगी. तभी आपने देखा होगा कि जो लोग थोड़े ओल्ड हो जाते हैं, जिनके दांत नकली होते हैं या फिर जिनके दांत नहीं होते, वो जूस ज्यादा पीते हैं, और जो यंग लोग होते हैं जिनके दांत स्ट्रांग हैं वो फ्रूट्स खाते हैं. तो ये वही लॉजिक है. सो फ्रूट बैट दे यूज स्मेल, दे यूज आईज एंड दे हैव शार्प टीथ. नाउ अगर हम बात करें फ्रूट बैट की, इनका साइंटिफिक नाम होता है टेरोपोडिये, टेरोपोडिडे. दिस पर्टिकुलर नेम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट बैट्स और ये IUCN की लिस्ट में लीस्ट कंसर्न में आते हैं कि इनकी पॉपुलेशन काफी अच्छी है. एक बात और कि जो बैट्स होती हैं, जो चमगादड़ हैं, सारी चमगादड़ हैं, चाहे नॉर्मल वाली हो चाहे फ्रूट बैट हो, दे आर द ओनली फ्लाइंग मैमल इन द वर्ल्ड. दे आर द ओनली फ्लाइंग मैमल.
मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, बैट्स आर नॉट बर्ड्स, इसको कभी भी बर्ड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज मत कीजिएगा। जो चमगादड़ होती है इट इज अ फ्लाइंग मैमल, करेक्ट। नाउ फ्रूट बैट्स आर एसोसिएटेड विद नीपा वायरस। ऐसा माना जाता है कि जो फ्रूट बैट्स हैं इनकी बॉडी में नेचुरली नीपा वायरस पाया जाता है। साइंटिफिक रिसर्चेस हमारे को यह भी दिखाती हैं दैट जो बैट्स होती हैं, ना कि सिर्फ फ्रूट बैट बल्कि दूसरी बैट्स भी, नॉर्मल बैट्स भी, इनके अंदर काफी तरीके के वायरसेस पाए जाते हैं। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जो बैट्स हैं, नॉर्मल बैट्स भी और फ्रूट बैट्स भी, इनकी बॉडी के अंदर काफी हाई क्वांटिटी के वायरसेस हैं। एक रफ अप्रोक्सीमेशन ऐसा बताया जाता है कि इनकी बॉडी में 60 टाइप्स के वायरसेस पाए जाते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो जो फ्रूट बैट है, अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ नीपा वायरस की बात करें, सिर्फ नीपा वायरस की अगर मैं बात करूं तो नीपा वायरस जो है ये फ्रूट बैट्स में पाया जाता है। अलग अलग तरीके के वायरस, इवन ऐसा माना जाता है कि इबोला के कुछ टाइप्स जो थे वो नॉर्मल बैट्स के थ्रू स्प्रेड हुए थे। तो अलग अलग बैट्स जो है अलग अलग टाइप के वायरसेस फैलाती हैं, लेकिन यहां पे ये माना जाता है कि जो फ्रूट बैट है उसकी बॉडी में नेचुरली नीपा वायरस पाया जाता है। मतलब कि बैट्स की बॉडीज में नेचुरली अलग अलग डिजीज कॉजिंग वायरसेस पाए जाते हैं। तो यहां पे एक सवाल उठा कि अगर बैट्स की बॉडीज में इतने सारे वायरस होते हैं तो उनको खुद को बीमारी क्यों नहीं होती। इसका जवाब साइंस ने यह निकाला दैट बैट्स फ्लाई फॉर लॉन्गर आवर्स। बैट्स जो है वो काफी ज्यादा लंबी उड़ान भरते हैं और काफी देर तक उड़ते हैं, बिकॉज ऑफ विच देयर बॉडी टेम्परेचर्स यूजुअली रिमेन हाई। उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है दैट यूजुअली रिमेन्स हाई, और इसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो हमेशा बूस्ट पे रहता है। हाई टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विद हाई डिग्री ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, और क्योंकि बैट्स इतना ज्यादा उड़ते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम उनका हमेशा एक्टिव रहता है। एंड दैट इज वाई इवन दो वायरस उनकी बॉडी में नेचुरली मिलता है, लेकिन उनको खुद को नीपा वगैरह और इबोला ये सब नहीं होता, राइट? अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या कि ये जो बैट और फ्रूट बैट है इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या स्टेटस है। बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग है, इस बार ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 62, इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 62। यह सेक्शन कहता है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज द नोडल अथॉरिटी टू एड अ स्पीशीज टू द स्केड्यूल 5 ऑफ द एक्ट। तो सवाल ये उठता है कि स्केड्यूल 5 क्या होता है। स्केड्यूल 5 इज रिलेटेड टू वर्मिन स्पीशीज। वर्मिन स्पीशीज आर दो स्पीशीज दैट कैन कॉज डिजीजेस। आपको पता होगा स्केड्यूल 1 वगैरह की जब हम बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं प्रोटेक्टेड स्पीशीज की, कि जिनको हमारे को बचाना है, टाइगर, डॉल्फिन वगैरह। सिमिलरली ऐसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में फिफ्थ स्केड्यूल है जिसके अंदर वर्मिन एनिमल्स की वर्मिन स्पीशीज की लिस्ट है, कि मतलब केंद्र की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे स्पीशीज घोषित कर रखे हैं जो आजकल ह्यूमंस में बीमारियां फैला रहे हैं, उन्हें कहा जाता है वर्मिन स्पीशीज। बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रिलिम्स के सीधे सीधे यहां से दो सवाल निकलते हैं, राइट? तो सरकार ने सेक्शन 62 के अंदर पावर ले रखी है कि वो जब चाहे, जब उन्हें लगे कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज बीमारी फैला रही है, वो उसे स्केड्यूल 5 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में डाल के वर्मिन स्पीशीज डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि मैं यहां पे से क्यों बता रहा हूं, आप समझ ही गए होंगे। सरकार ने जब नीपा वायरस फैला तो जो फ्रूट बैट है उसको स्केड्यूल 5 में डाल दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, कि फ्रूट बैट इज अ वर्मिन स्पीशीज। वर्मिन स्पीशीज का मतलब है कि ये बीमारियां फैला रही है और ये थोड़ी डेंजरस स्पीशीज है। आज की तारीख में एज ऑफ टुडे 4 स्पीशीज हैं जो वर्मिन स्पीशीज स्केड्यूल 5 में है, कॉमन क्रो, कौवा, फ्रूट बैट, माइस और रैट। ये 4 स्पीशीज हैं जिनको आज की तारीख में केंद्र की सरकार ने, नॉट स्टेट गवर्नमेंट बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्मिन स्पीशीज डिक्लेयर कर रखा है अंडर स्केड्यूल 5 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है शेयर जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कैसा लग रहा है, और
To subscribe to an Academy Plus, you can use my referral code Mudit Gupta for 10% discount. Or bhi kafi sare videos aa rahe hain, stay tuned.